ये बात कर चुके हैं कि सीटेट में फॉर्म फिल करने के लिए लैंग्वेज को चूज करना आपके 5-10% मार्क्स कम या ज्यादा हो सकते हैं, सारा दरोमदार इस पर निर्भर हो सकता है। ठीक, और मैंने एक छोटा सा सर्वे किया, जो स्टूडेंट्स सीटेट पास कर चुके हैं या जो 2 से 3 बार सीटेट दे चुके हैं, उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कौन सी फिल करनी चाहिए। सभी का ये जवाब था कि जो पेपर 1 होता है वो रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखते हैं कि इंग्लिश, फॉर एग्जाम्पल आप रीजनल लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज ले लें, आप हिंदी का चलो ले लेते हैं, हिंदी आपने लैंग्वेज ले ली, हिंदी का पेपर 1 जो है वो डिफिकल्ट होगा, हिंदी का पेपर 2 इससे इजी होगा, वो ये कहना चाहते हैं। इंग्लिश 1 डिफिकल्ट होगा, 2nd वाला जो है इजी होगा। पहले भी ये बातें हो चुकी हैं कि उसमें लिटरेचर ज्यादा होता है, सिंबॉलिक ज्यादा होता है, कई बार सीधी नॉलेज लिटरेचर की चाहिए होती है, बेशक वो ओरिजिनल लैंग्वेज, बेशक पंजाबी क्यों ना हो। जैसे पंजाबी का ये डिफिकल्ट होगा, ये इजी होगा अगर पंजाबी की पंजाबी से तुलना करेंगे। ठीक है, तो आपने 3 लैंग्वेज में से ये 2 चूज कोई भी कर ली है, जो भी 2 चूज कर ली है उसको देखना है दोनों में से मेरे लिए इजी कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की से अभी बात हुई थी, उसने कहा सर मुझे इंग्लिश इजी लगता है सर, मैं मतलब हिंदी और पंजाबी, पंजाबी की लड़की थी वो इंग्लिश सबसे इजी उसको लग रही थी, उसको सबसे इंग्लिश अच्छी लग रही थी, सॉरी ये रब हो जाएगा, हाँ, तो उसने इंग्लिश को फर्स्ट, इंग्लिश को फर्स्ट लिया क्योंकि इंग्लिश उसकी इजी लैंग्वेज थी। अगर आपको हिंदी लगती है कि हिंदी सबसे इजी है तीनों में से, आप वो चूज कर रहे हो, तो उसको फर्स्ट भाषा में लीजिए आप। तो अगर आपको लगता है कि पंजाबी या आपकी तेलुगु या आपकी और कोई जो भी रीजनल लैंग्वेज है 18 लैंग्वेज में से आपको वो सबसे इजी लगती है, मोस्ट लार्जली जो स्टूडेंट्स हैं सीटेट फिल करने वाले, उनको अपने रीजनल लैंग्वेज सबसे ज्यादा इजी लगती है, दैट इज वाई फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो उनको वो प्रेफर करनी चाहिए। हाँ, हर केस डिफरेंट है, अपना इंडिविजुअल है आपका, कि आपको इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा इजी लगती है वो फर्स्ट ले, और दूसरी जो आप चुन चुके हो वो उसको 2nd लैंग्वेज में फिल करें, इसका आप ध्यान रख सकते हो। उन्होंने सभी ने ये कहा है कि यस, कई जनों ने तो ये कहा कि हाय मैंने इंग्लिश फिल कर दी, अगर हिंदी फिल की होती तो मैं सीटेट क्लियर हो जाना था। कईयों ने ये कहा कि मैंने हिंदी की जगह इंग्लिश फिल कर दी होती तो शायद मेरा क्लियर हो जाता, क्योंकि उन्होंने 2-2, 3-3 बार पेपर दिए हैं, कंपेयर किए हैं, उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक ये कह रहा हूँ। आप इसको अपनी लैंग्वेज चॉइस करने में जो भी वेटेज देना चाहते हैं, अगर इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल सर्वे पर निर्भर है। थैंक यू।